मैनपुरी जनपद के थाना क्षेत्र के कुर्रा के अंतर्गत गांव नंगला दोले निवासी देवराज यादव मुखिया के तीन पुत्र में से सबसे छोटे पुत्र प्रदीप कुमार यादव ने एनडीए की चार वर्षों की ट्रेनिंग पासिंग आउट करने के बाद लेफ्टिनेंट बनने पर मैनपुरी जनपद का नाम रोशन किया है। गांव नंगला दोला में लगभग 400 लोगों की आबादी वाला पिछड़ा गाँव है। वहीं आपको बता दें कि प्रदीप कुमार यादव लेफ्टिनेंट ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मेरी जन्मतिथि 5 सितंबर 1996 की है और उन्होंने कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की शिक्षा राष्ट्रीय आवासीय विद्यालय में पास की है। कि मैं ही नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा एक कजन, मेरा चचेरा भाई, वो सब लेफ्टिनेंट नेक्स्ट ईयर पास आउट होने वाला है। उसकी 3 साल की ट्रेनिंग नेवेक में कम्प्लीट हो चुकी है। तो ये एक परिवार के लिए बहुत ही गर्व और एक अभिमान करने की, ना कि परिवार बल्कि रिश्तेदार, गाँव गली हर किसी का आज आपको लाश देख सकते। ये सब देखने के लिए मेरे शब्द काफ़ी नहीं होंगे। धन्यवाद। जय ब्रजीत कुमार यादव जी। भाई को इस पद पर महसूस करके कैसा आप महसूस कर रहे हैं? बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आज हमारा भाई अफसर है और मैं एक कर्मचारी था, कांस्टेबल था, और मेरा ये सपना था। क्यों, मैं अपने पुलिस विभाग में देखता हूँ कि अधिकारियों की क्या वैल्यू, क्या सम्मान होता है। तो मेरा भी ये सम्मान चाह रहा था कि अगर हमारा भी भाई एक अफसर होगा तो उसका भी सम्मान होगा। बड़ी कड़ी मेहनत के साथ उसने अपनी लगन से पढ़ाई की और हमारे पिताजी ने बहुत मेहनत से खेती में पैसा पैदा करके और हम लोगों को पढ़ाया। आज हम इस कगार पे हैं कि अच्छी अपनी मेहनत की सफलता से आज अफसर बना भाई। और यही जय हिंद, जय भारत। आज ये जो खुशी का माहौल है, इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे आप? जो आज पद मिला है लेफ्टिनेंट कर्नल का, इसके बारे में जो शुरुआती इनका जो अनुभव है और जो भी इनके आचरण है, उनके बारे में थोड़ा डिटेल दें। इनके ऐसे ही लक्ष्य थे शुरू से, बचपन से ये शुरुआत में ही कह रहे थे कि हम जो आर्मी के अफसर बनेंगे। और उसी आधार पर इन्होंने पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद आज वही पद उनको मिल गया। आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा। क्या आप पिता हैं? चाचा केरला अजीमला में, तो मैं एक कैप्टन से मिला जो कि इंडोनेशिया में पोस्टेड था, अभी मेरी एकेडमी में उसकी पोस्टिंग हुई। तो उससे मिला, उसने मेरे से पूछा व्हाट्स योर फादर, देन आई सिंपली सेड ही इज अ फार्मर, देन हाउ कुड ही मैनेज टू सेंड यू हियर इन दिस एकेडमी, अ फार्मर कांट अफोर्ड टू सेंड हिज चिल्ड्रन टू अ सच प्रेस्टिजियस एकेडमी वेयर अ मीन्स नेवल ऑफिसर्स आर बॉर्न और दे आर ट्रेंड। Then I told him, sir, I told him the theory, means the story which I told you just now. Then he said, well done, beta, and give my regards to your father. मतलब मेरे पापा को, अपने पापा को जाके बताना कि एक आदमी मिला था जिसने आपके बारे में बहुत कुछ बोला, क्योंकि एक फार्मर इतनी ऊँचे पोस्ट तक अपने लड़के को लेके जाता है, मतलब उसके पिता ने कुछ तो हार्डवर्क किया है, मतलब बहुत काबिले तारीफ है। तो ये सब चीज़ें हैं इनके, और that's all. Thank you. प्रधान जी नाम बताना चले आप अपना, इसमें आप प्रधान के दावेदार हैं? राजकीय ठेकेदार हैं आप जी। अब आप हमको थोड़ी जानकारी दीजिए कि आपके गांव में इतना बड़ा काम हुआ है, कैसा महसूस हो रहा है आपको? नहीं, बहुत खुशी का माहौल है जी। और ये खुशी अकेले मुझे ही नहीं बल्कि हमारे पूरे क्षेत्र, पूरे समाज, पूरे सारे रिश्तेदार, पूरे जनपद को एक खुशी उपलब्ध हुई है। और इसी के साथ साथ में एक खुशी और है कि एक इनका और छोटा भाई, वो भी पास आउट अगली वर्ष करेंगे, वो भी लेफ्टिनेंट हो गए हैं, तो वो नेवी में है। ये एक बहुत सौभाग्य की बात हम लोगों के लिए है कि हमारे बीच का, हमारे परिवार का लड़का एक इतने उच्च पद को प्राप्त किया। और मेरी शुभकामनाएं है कि आगे आने वाले समय पे ये बहुत बड़ी उन्नति, बहुत बड़े पद पर जाएंगे, ये मेरी इनके लिए शुभकामनाएं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है, मैं सब लेफ्टिनेंट अविनाश कुमार, इंडियन नेवी। आज आपका भाई लेफ्टिनेंट हुआ,
शुरुआत में जब आप तीनों भाई थे, उस समय की कुछ हमें घटनाएं बताएं, क्या मतलब पढ़ते थे, कैसे क्या करते थे, आज जब ये लेफ्टिनेंट हो गया तो आपको कैसी खुशी महसूस हो रही है, आगे आपका भी सिलेक्शन बताया, तो एक छोटे से गांव जिसमें जो लोग कहते थे कि केवल पुलिस तक ही सीमित रहेंगे, आज आपके गाँव में परिवर्तन हुआ है, कैसा लग रहा है आपको? ऐसा देख के तो अच्छा ही लगता है, लेकिन इस सब का श्रेय एक मेरे अंकल हैं, हरविलास करके इनका नाम है जी, उनको जाता है, क्योंकि बेसिकली हम लोग जिस बैकग्राउंड से, जिस फैमिली से है, वहाँ पे कोई आर्म फोर्सेस में नहीं है, ना ही किसी को आर्म फोर्सेस के बारे में पता है, ना ही कोई जानता है ऑफिसर क्या होता है, क्या रहते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने हमें एक हॉस्टल में डाला, मुझे डाला, फिर मेरे भाई को भी डाला जो अभी प्रदीप है, उसको भी डाला। तो पहले वहाँ से हमें बोला गया कि अगर तुम सैन स्कूल में पास हो जाओगे तो तुम्हारी जॉब हो जाती है, मतलब बहुत नाम होगा ये वो। तो हमने सोचा चलो अच्छा भाई सैन स्कूल में हो जाएंगे, अच्छा नाम होगा। तो हमने सैन स्कूल के ट्राई किया दोनों भाई, तो मेरा भाई पहले हो गया सैन स्कूल में, फिर मैं यहीं पढ़ रहा था। तो मुझे भी थोड़ा वैसा लगा यार मेरा भाई हो गया, मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, तेरी ये नहीं मतलब तुझे वो नहीं है जो उसमें है। तो फिर मैंने भी ट्राई किया, मैं उससे एक साल छोटा हूँ, अगले साल मैं हो गया, फिर मैं वहाँ पहुँचा। फिर वहाँ हम लोगों ने 12th तक पढ़ाई की, उसके बाद फिर वहाँ से एक होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी करके होती है, जहाँ पे अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप एक ऑफिसर बन जाते हैं, क्लास वन ऑफिसर, जो कि लेफ्टिनेंट रैंक होती है। तो मेरा मतलब मेरा भाई 12th में पहुँचा, मैं 11th में था, उससे एक साल नीचे था। तो मेरा भाई फर्स्ट अटैम्प्ट उसका नहीं हो पाया, फिर सेकेंड अटैम्प्ट में उसका एनडीए क्लियर हुआ। तो जैसे उसका क्लियर हुआ तो हमें लगा कि हाँ यार एक कॉमन बंदा भी कर सकता है, क्योंकि जिस फैमिली से हम बिलोंग करते हैं वो कोई हाई फाई नहीं है, एक फार्मर मतलब नॉर्मल फार्मर्स हैं, कोई मतलब बड़े उससे नहीं है, किसी को आर्मी के बारे में कुछ नहीं पता। तो जब वो हो गया तो मुझे भी विश्वास हुआ कि यार मैं क्यों नहीं कर सकता जब मेरा भाई हो गया। तो इसके हिसाब से फिर मैंने भी किया और मेरा भी हो गया। उसके बाद एक घटना आपको बताता हूँ क्या हुआ। देखिए मैं अभी सुनीता, आज आपका जो बेटा लेफ्टिनेंट हुआ है, इनके बारे में कैसी खुशी आपको महसूस हुई, क्या लग रहा है आपको, इसकी क्या आचरण थी शुरुआत? बाहरी खुशियाँ हैं, हमेशा यही सोचते हैं कि बाहरी खुशियाँ हमेशा बनी रहे। शुरुआत में कुछ ऐसी हैबिट हो वो आप बता दीजिए जो बचपन की हो, या वैसे ही हाई स्कूल इंटर में जब आपका बचपन में काम, मेरे कभी भी कोई नौकरी थी नहीं किसी, जो कुछ नाम कमाया है इसी बच्चे ने कमाया है, वो हमेशा सोचते बाहरी खुशियाँ हैं हमेशा के लिए, अब आगे पीढ़ी बदलती रहे खुशियाँ बनी रहे। अच्छा, दूसरी बात ये बताइए, आगे आपके गांव एक छोटा सा गांव है, 400 के लोगों की आबादी लगभग होगी, इस 400 की आबादी में जो लोग ये सोच रहे थे कि हमारी नौकरी केवल उसकी है पुलिस की कर पाएंगे, आज आपके बेटे ने इस गांव का नाम बदल दिया। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा पुलिस की नौकरी करेगा, मैंने अपने बेटे को ऑफिसर बनाने के लिए तैयारी की थी, वो मेरे बेटा ने सारी समस्या सबकी दूर कर दी। आज आपके बेटे ने गांव का इतिहास बदल दिया। अब आपके आगे का क्या प्लान है, आपके और भी एक बताया हाँ, तीन बेटे हैं हाँ। अगले उसका भी कुछ बता रहे इसी रेंज में है उसकी हाँ, अगले साल होगा हाँ, वो अगले साल होगा उसका, वो लेवी का लेफ्टिनेंट बन गया जी जी हाँ। तो इन्हीं दोनों बेटों ने सारी खुशियां अपने परिवार की बदल गई, गाँव की सारी मौजे की हो गई सारी खुशियां। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम हरविलास यादव जी। आपने पूरे गांव में अभी जो लेफ्टिनेंट लगा हुआ है प्रदीप कुमार, जिसने पूरे जिले का नाम रोशन किया है, उसमें आपका श्रेय बता रहे हैं कि आपने ही शुरुआत की है, और एक 400 गांव की आबादी के क्षेत्र में इतना बड़ा कार्य आपने किया है, कैसे शुरुआत की थी आपने उसकी? ऐसा मेरा संयुक्त परिवार है, और संयुक्त परिवार के नाते सारे परिवार से मैं कुछ पढ़ा लिखा ज़्यादा था, तो मैंने संयुक्त परिवार की परिभाषा को जो मरती हुई दिख रही है आज के समाज में, उसे पुनर्जीवित किया है। नहीं, और इनका जो शुरुआत से, इनके पिता एक किसान थे, जो पैसे की और वैसी व्यवस्था है जो बच्चों को पढ़ने के लिए संसाधन जुटाने के लिए लोग प्रेरित करते हैं, वो किस तरह आपने किया कुछ? देखो सही बात तो जो है कि मेरी जो परिवार की पृष्ठभूमि जो खेतीबाड़ी से थी, आज भी है, अब धीमे धीमे जो है प्रयास के द्वारा जो यहाँ तक आ पाए। असली बात यह है कि मैं परिवार में सबसे छोटा था, तो जिनका जो लड़का लेफ्टिनेंट हुआ है, इससे एक और है छोटा, उसका पास आउट जो है अगली वर्ष है। तो सही बात जो इनके पिताजी, हम पढ़ लग गए थे, नौकरी नहीं लग पाई, लेकिन इनके पिता लोगों ने हमसे कोई काम नहीं करवाया, हम फिर ही रहे। और मेरे दिमाग में जो एक बात धधकती रही कि हम क्लास में पढ़ने में टॉपर नहीं थे, तो मेरे दिमाग में एक ये बात हमेशा टसल करती रही कि परिवार के मेंबर जो भी हो, पीछे से आने वाली पीढ़ी, वह टॉपर हो।
और वो प्रयास मेरा अंतिम जो है सतह तक पहुंचा और लड़के जो है एनडीए को ज्वाइन किए। इसका पूरा अब खर्च वर्चे की बात रही तो खेती बाड़ी हमेशा से ठीक थी और ठीक होने के नाते मेहनत में कोई कसर नहीं रखी, और जो अगर जरूरत भी पड़ी है तो इधर उधर से एडजस्ट किया है, ये तो हमेशा होता है, कुदरत का नियम रहा है जैसे जरूरत पड़ती है। आज जब ये हुआ है आपका बेटा लेफ्टिनेंट, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? इतना गर्व अच्छा, वाली बात। हाँ हाँ बिल्कुल, आप बात से हम सहमत है। असली बात तो ये है कि मेरा प्रयास अभी पूरा नहीं हो पाया, अभी अधूरा है जी। अब आगे मुकाम तक हम कोशिश कर रहे हैं, देखो कहाँ तक पहुंचता है, अभी पूरा नहीं हुआ है, अधूरा है अभी, आगे भी आपका प्रयास चलता रहेगा। बिल्कुल प्रयास जारी है। गांव में नहीं नहीं मेरा ऐसा है, जे लड़के ऐसे क्लास वन ऑफिसर में जे भी आते हैं, आईएसपीसी वो आईएएस और आईपीएस भी आते हैं, लेकिन इनकी जो प्रशासनिक सेवा है भारत सरकार द्वारा जो ली जाएगी वो केवल सुरक्षा के मामलों में है। मेरा प्रयास जो है इनका जो है सिलेक्शन अच्छी और जगह पे हो, जैसे आईपीएस है, वो आईपीएस है, आईआरएस है, आईएफएस है, तो मेरा प्रयास जो है अभी तो ये एक सफलता की एक पहली सीढ़ी है पहली मेरे नजर में। जिसको आपने आज जो लेफ्टिनेंट हुए हैं प्रदीप कुमार, उसके शुरुआत में जो हॉबी थी उसके बारे में कुछ डिटेल देंगे? जो लड़का लेफ्टिनेंट हुआ उसकी क्या इच्छा, पढ़ाई और जिस तरह उसका झुकाव था, एक पढ़ने वाला होता है, एक तो ये होता है कहने पर लगाया जाता है, एक जिसके शुरू से ही विचार हो, जैसे गांव में शुरुआत में पुलिस के ही लोग थे, आगे कोई अधिकारी रंज में नहीं आया, सबसे पहला काम उसने करके एक गांव का नाम रोशन किया है, ठीक उसी प्रकार बच्चे जैसे सबके थे वैसे मेरे भी थे जी। मैं थोड़ा पढ़ा लिखा होने के नाते समाज में चलता रहा, मैं देखता रहा, और एक मेरे मित्र है उनका लड़का हुआ है फ्लाइंग ऑफिसर पायलट जी, तो उसके यहाँ हम उठते बैठते थे, वहां से मुझे सीख मिली, वैसा ही मैंने करने चालू कर दिया, धीमे धीमे जो है मेरा प्रयास सफल हुआ।